नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसन नगर की ग्राम पंचायत मोकमवाला के गांव 6 पीटीडी के वार्ड नंबर 7 में लगा हुआ छोटा ट्रांसफार्मर, जिसके कारण ग्रामीणों के अनुसार इस पर लगभग 17 घरेलू कनेक्शन है, जिसके चलते बिजली बहुत कम रहती है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाने बाबत विद्युत विभाग रायसन नगर को लिखित व मौखिक रूप से कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन विभाग द्वारा इस पर समस्या को लेकर नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। वहीं समेजा कोठी में आज किसानों ने मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों को वापस लाने के विरोध में किया चक्का जाम। मोटरसाइकिल पर आने जाने वालों से की गई पूछताछ। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बीमार बताता है तो उसकी पर्ची चेक कर उसे आगे जाने दिया जाता है, तथा किसानों ने किसान एकता के नारे लगाए तथा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर समेजा कोठी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी चंद्रजीत सिंह भाटी भी मौजूद रहे। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो जो 3 ये अध्यक्ष लेके आए हैं, बहुत ही किसानों के लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मेरे कहने का मतलब यही है कि मोदी सरकार को यही है कि 3 जो अध्यक्ष ले हैं वापस ले ले। ये तो किसान आज तो सड़कों पे उतरे हैं, कल पता नहीं क्या क्या करेंगे। आंदोलन होगा या कई किसानों की 2004 के अंदर ऐसे किसानों के अंदर मौत हुई थी कि किसानों की बलिदान जाएगा तो तब जाके मोदी सरकार सुधरेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नाम निमिलाल है। हाँ जी, आज के जिस बंद को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो हमारा ये चल रहा है लो, जिसके नाम है चक्का जाम का जो प्रदर्शन किया है, इसमें सारा बुरा भारत बंधा है जी। इसके अंदर क्या है, जो मोदी ने काले कानून लेके है ना, उसके बारे में ये जी। अगर जब तक ये कानून वापस नहीं जाएंगे ये ऐसे चलता रहेगा जी।